अबू मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, दौरानी साहब को टाइम लग जाएगा। वैसे अब वो अम्मी कह रही थी कि हमें लड़की वालों को बता देना चाहिए कि हम बारात नहीं ला सकते। यार ऐसे कैसे बता दें उन्हें कि हम बारात नहीं ला सकते, किसी की इज्जत का सवाल है। फिर अब वो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम ये कह देते हैं कि हमारे खानदान में किसी का इंतकाल हो गया। ऐसा करते हैं कि मैं और तुम चलते और जाके साफ साफ उन्हें बता देते हैं। देखो एक झूठ बोलेंगे ना तो 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम गृहणी, क्या हाल है? कैसे हो सुनी? वाह अल्लाह का शुक्र। सलाम सर। अस्सलाम, कैसे बेटा? जी अल्लाह से। बैठो बैठो। बड़ी माजरत, एक्चुअली गवर्नर हाउस में ट्रेड यूनियन की मीटिंग चल रही थी। मुझे पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। वहाँ हाशिम भी मुझे मिला, मैंने उसे भी याद दिला दिया कि कल तुम्हारे बेटे का वलीमा है। यार दुरानी एक मसला हो गया है। खैरियत? वो आज मेरे बेटे की बारात है और उसे पुलिस उठा के ले गई। मैं गया भी, जाके बड़ी मिलत समाजत की मैंने पुलिस वालों की। वो झूठा केस बनाया है उन्होंने, मगर वो FIR तक लिखने को तैयार नहीं है। बहुत असर रसूख वाले लगते हैं वो लोग, ताकतवर लोग हैं। अच्छा, काफी ताकतवर लोग हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आ जा बेटा, आ जाओ। आओ 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 बेटा, सब ठीक हो जाएगा सिद्दीकी, कोई परेशानी की बात नहीं।